टिमरनी विधानसभा भाजपा विधायक से नाराज जनता ने विधायक निवास का घेराव कर 14 साल के कार्यकाल में जन सरोकार एवं क्षेत्र के विकास के लिए विधानसभा में कितने प्रश्न पूछे एवं क्षेत्र में कितना विकास कार्य किया सारा हिसाब पूछा। विधायक की अनुपस्थिति में एडीएम को 28 सूत्रीय मांगों को लेकर विधायक के नाम ज्ञापन सौंपा एवं मांगे पूरी नहीं होने पर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। हरदा जिले की आदिवासी सीट टिमरनी विधानसभा के आदिवासी मतदाता अपने विधायक संजय शाह से इतने नाराज है कि आज आदिवासी संगठन जयस के नेतृत्व में संजय शाह के हरदा निवास पहुंचकर घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी की। आदिवासियों का कहना है कि विधायक जी की आदिवासी क्षेत्र में सक्रियता बिल्कुल नहीं है। इनके 14 वर्षों के कार्यकाल में आदिवासी क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। हरदा से आलोक पटेल की रिपोर्ट। जी, मैं धन सिंह भल्लावी, सामाजिक कार्यकर्ता, जय संरक्षक, जिला हरदा। हम लोग जो है आज माननीय विधायक संजय शाह जी, विधायक 134 विधानसभा क्रमांक टिमरनी, इनका निवास स्थान घेराव करने के लिए मजबूर होकर के आए हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, इस पर अभी तक कोई भी आदिवासी अंचलक क्षेत्रों में कार्य नहीं किए गए हैं, जिससे विगत जो है हमारे क्षेत्रों की महिलाएं प्रसव काल में जो है मौत के ग्रास में जो है चली गई, और उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि विधायक महोदय जी हैं। इसलिए आज उनसे सवाल पूछने के लिए आए थे, लेकिन विधायक महोदय नहीं है, तो माननीय कलेक्टर महोदय और विधायक प्रतिनिधि टिमरनी उनसे बातचीत किए हैं, और हमने बोला है कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 से पहले अगर हमारे क्षेत्र में विकास ये चारों चीज़ को लेकर के नहीं होती हैं, सड़कें नहीं बनती है, शिक्षा उचित स्तर पर नहीं जाता है, स्वास्थ्य के जो है हमने कॉलम बताए वो स्थापित नहीं होते हैं, तो हम लोग चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, और किसी भी अधिकारी या चुनाव या कोई भी अन्य प्रकार का कर्मचारी या अधिकारी अंदर नहीं जाएगा सिवाय एक शिक्षा कर्मचारी और दूसरा जो है स्वास्थ्य कर्मचारी। इनके अलावा हम किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को आदिवासी आंचलिक क्षेत्रों में घुसने नहीं देंगे, चाहे फिर सरकार हमारे ऊपर गोलियां चलाए, चाहे हमें जो है नक्सलाइट बताए, चाहे हमें मार डालें, क्योंकि हमारा क्षेत्र वैसे ही विकास से वंचित है और हम लोग जो है विकास चाहते हैं। और विधायक महोदय को आज बातचीत करने के लिए आए, लेकिन विधायक महोदय शायद हो सकता है कि डर करके गए हैं या फिर हमारे से छिपना चाहते हैं, इसलिए यहाँ से चले गए। ये अब विधानसभा किस तरीके से ये जेएस के द्वारा, आदिवासी भाइयों के द्वारा जो आज विधायक जी के यहाँ पर आकर और मिलने का जो उन्होंने अपनी मांगे लेकर यहाँ जो बात रखी है, और माननीय विधायक जी आज उपस्थित नहीं हो पाए थे, कई विशेष कार्यों से वो बाहर थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित थे और हमने आदिवासी भाइयों की पूरी मांगे भी सुनी है। शायद आप लोगों ने पूरा किया जाएगा, बिंदुवार जो उचित मांगे हैं उनको हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और माननीय विधायक जी की ओर से मैं इसका आपको विश्वास दिलाता हूँ। आदिवासी बहुत नाराज थे विधायक जी की कार्यशैली को लेकर, उन्होंने कई बार आपसे बातचीत की है। देखिए क्या होता है कि कई बार कुछ भ्रामकताएँ भी फैलाई जाती हैं कई लोगों के द्वारा, लेकिन हमारे आदिवासी भाई बहुत शिक्षित भी है और सज्जन भी है, और उनकी मांगे भी उचित मांगे हैं, और जो उचित मांगे हैं उनको हम बिल्कुल पूरा करेंगे, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। और ये आपसी भाई हैं और हम आपसी भाई बैठ कर बात कर रहे थे, ना कि कोई विशेष इस प्रकार का कोई मुद्दा है। उनकी उनने 28 सूत्र मांगे रखी हैं और बिल्कुल हम प्राथमिकता से उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। जनजातीय समाज के टिमरनी क्षेत्र और बहटगांव क्षेत्र के बहुत से हमारे साथी बंधु लोग आए हुए थे माननीय विधायक महोदय जी से मिलने के लिए, किन्हीं कारण से माननीय विधायक महोदय के बाहर रहने के कारण से मुलाकात नहीं हो पाई, तो प्रशासन की तरफ से हम लोग उनके प्रतिनिधि के रूप में आए यहाँ पे और उनकी मांगों को ग्रहण किया है। उनकी दो तीन मांगे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो उन्होंने हमको बिंदुवार गिनाया है। एक तो स्वास्थ्य संबंधित हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की उपलब्धता को लेके, दूसरा 108 की मांग है उनकी कि कुछ और क्षेत्रों में 108 की सीमाओं का विस्तार किया जाए। दूसरा उनका शिक्षा को लेके है कि जो नौजवान हैं जो पढ़ लिख लिए हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं है, उनको संविदा या किसी आधार पर नौकरी मिल जाता कि वो अपने क्षेत्र में शिक्षा का काम बखूबी कर सके। तीसरा रोड के लिए है उनका कि रोड जो कुछ रास्ते नहीं बने हुए हैं गाँव को जोड़ने वाले एक दूसरे से वो बन जाए। और चौथा बिजली का है, बिजली जो रात में किसानों को मिलती है पानी के लिए वो दिन में मिले और खेतों में डीपी लगवाई जाए जैसे शायद इनका कहना पहले लगती थी, उस योजना को पुनः चालू किया जाए। हेलो फ्रेंड्स,
आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।